खरगोन में लॉकडाउन के बावजूद बेवजह जान जोखिम में डाल रहे लोगों पर आज पुलिस ने डंडे का उपयोग कर अच्छा खासा सबक सिखाया। कलेक्टर गोपाल चंद डार्ड और एसपी सुनील कुमार पांडे की लगातार अपील के बाद भी घर से बाहर लगातार निकल रहे लोगों पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आज डंडे का इस्तेमाल कर घरों के रहने की चेतावनी दी है। इधर इंदौर में लगातार कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद चिन्हित पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए आज से ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब लॉकडाउन पर उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का वैधानिक कार्यवाही करेगी। शहर कोतवाल ललित सिंह डांगोर ने बताया कि इंदौर की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। गली कूचों और मोहल्लों में बाहर बैठे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कैमरे में कैद को चिन्हित कर पुलिस कार्यवाही करेगी। डांगोर ने लोगों से घरों में कैद रहने की अपील की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जिला प्रशासन ने अभी ये आदेश दिए हैं कि इंदौर को देखते हुए खरगोन में सख्ती की जाना बहुत आवश्यक है। जो ये गलियों में झुंड बना के भेज रहे हैं उनके लिए हमने ड्रोन कैमरे से उनके जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये छुपे और गलियों में फालतू बैठे रहते हैं। उसके आधार पर ड्रोन कैमरे में जो लोग आ रहे हैं वहाँ अपने चीता स्क्वाड भेज के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे फोटोग्राफ्स कैमरे के आधार से और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। दिन में पोस्ट ऑफिस चौराहे पर लठ भी चलाया पुलिस ने जब फालतू जो घूम रहे थे। यदि आवश्यक हुआ तो बल प्रयोग उतना आवश्यक किया जाएगा क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने जो खरगोन जिला है उसको सुरक्षित रखें और लॉकडाउन का पालन कराएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।